तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नवीन शर्मा, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आया हूँ जीवन पार्क। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं रावण कुंभकर्ण के पुतले खड़े हो चुके हैं और मेघनाथ का पुतला अभी ये बांधेंगे फिर ये भी खड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको रावण जयंत दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब और पूरा ब्लॉग देखना। भाई बहुत पटाखे लगा रखे हैं, मैं कह रहा हूँ इतने पटाखे लगा रखे हैं ना कि बहुत तगड़ी आवाज़ आने वाली है। तो कमेंट करना आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेघनाथ का पुतला, इसकी ना आँखों में लाइट लगा रखे है, ये देखो बल्ब लगे हुए हैं। और ये देखो भाई रावण, ये 5000 बम की लड़ी लगा रखे है, ये देखो ये फेंकी हुई नीचे, ये देखो क्या बात है। फुल्ली लुक है भाई, नाजी बम से सारे देख रहे हो आप। भाइयों का जोश बहुत ज़्यादा है इधर। तो भाई अभी मेरे साथ आयुष भाई है और कृष्णा भाई है। भाई इनका बैनर लग रहा है पीछे, आप चेक करो ये देखो। तो प्रोग्राम के बारे में बताओ भाई, प्रोग्राम क्या है अपना। प्रोग्राम के बारे में देखो, हमारा रावण दहन है, इस पर हमने सोचे 3 पुतले लगाते हैं, प्लस इस पर हमने सोचा झांकियाँ करवाते हैं। क्या बात है, भव्य झांकियाँ हैं 6 प्रकार की। और हमने सोचा संपूर्ण रामायण चलवाते हैं LED स्क्रीन पर। LED स्क्रीन पर चलेंगी। हाँ, LED जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, इनकी हाइट क्या रहने वाली है भाई। इनकी हाइट रहने 40 फुट, 30 फुट, 20 फुट। और बम तो फुली लोडेड है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेन मजा तो आतिशबाजी में आएगा। आतिशबाजी कहाँ से मंगाई है ये? आतिशबाजी हमने मंगवाई है हरियाणा से। तो भाई बहुत मजा आने वाला, पूरा व्लॉग देखना, मिस मत करना। भाइयों की बहुत मेहनत है, मतलब पूरी टीम की बहुत मेहनत है। बहुत सारे भाई हैं, ये 2 भाई नहीं है, बहुत सारे भाई हैं भाई इस चीज में। और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम। क्या बात, इन्होंने बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे आग्रह पर जीवन पार्क के लिए अपना समय निकाला और ये यहाँ पे आए, तो हम सब इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। बहुत सी तालियां, बहुत जोरदार तालियां। इसी प्रकार से ये हमारे फंक्शनों में आते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, हम यही कामना करते हैं। मैं अध्यक्ष प्रवेश वृंदा, जीवन पार्क, जागृति मंच और अपने सारे पदाधिकारियों से सर्व से आशीष जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं कहूँगा, और अजीत जी भी उनके साथ आए हैं, उनका भी हमारे मंच पर स्वागत है। मैं आशीष जी से हमें दिशा निर्देश देने के लिए और इस बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार दशहरे के अवसर पर 2 शब्द कहने को कहूँगा। आशीष जी, यह हमारा युवा मोर्चे का साथी है, आपके लिए देखो क्या कमाल का कलाकार है ये। ताली बजा दो इसके लिए। सारे लोग पीछे हो जाए, चिंगारियां आपके शोर से वहां पर पहुंच सकती है भाई। पीछे इधर कर सकते हैं, पीछे पीछे। रावण आने, रावण आने, रावण आने, रावण आने भाई।